उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में हो रहे चुनाव में 5 चरणों का मतदान हो चुका है। अब सिर्फ 2 चरण बाकी है। छठे चरण में 14 सीटों पर 12 मई को मतदान होगा। इस चरण में सबकी नजर उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल संसदीय सीट आजमगढ़ पर है। आजमगढ़ पर केंद्र व राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा और गठबंधन के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। आजमगढ़ से इस बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ भोजपुरी फिल्मों के स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को उतारा है। हालांकि वो अखिलेश यादव को ज्यादा टक्कर नहीं देते दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनकी पॉपुलैरिटी भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहां के जातीय समीकरण के मद्देनजर अखिलेश यादव की स्थिति यहां बेहद मजबूत नजर आ रही है। इस बार समाजवादी पार्टी के पास बीएसपी का भी साथ है और ऐसे में दलित वोटर भी अखिलेश के साथ जा सकते हैं। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ सपा मुखिया को राष्ट्रवाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बतौर अभिनेता अपनी लोकप्रियता के चलते कड़ी चुनौती दे रहे हैं। जानकारों की माने तो आजमगढ़ के जातीय गणित को ध्यान में रखकर ही भाजपा ने भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार निरहुआ को अखिलेश के खिलाफ उतारा है। हालांकि निरहुआ तब ही बड़ा उलटफेर कर सकते हैं जब वह इस सीट पर निर्णायक यादव मतों में अच्छी खासी सेंधमारी कर पाए। 2014 के आम चुनाव में आजमगढ़ लोकसभा सीट पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। मौजूदा सांसद मुलायम सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार और अपने राजनीतिक शागिर्द रामाकांत यादव को हराया था। मुलायम को चुनाव में 3,40,000 वोट हासिल हुए थे, वहीं रामाकांत को 2,77,000 वोट मिले थे। मुलायम ने दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत को करीब 63,000 वोटों से शिकस्त दी थी। वहीं बसपा के शाह आलम 2,66,000 वोट के साथ इस सीट पर तीसरे स्थान पर रहे थे। इस लोकसभा क्षेत्र में करीब 19 लाख मतदाताओं में से 3.5 लाख से अधिक यादव, 3 लाख से ज्यादा मुसलमान और करीब 3 लाख दलित हैं। यही जातीय गणित अखिलेश की राह को आसान और निरहुआ के लिए मुश्किल बन सकता है। भाजपा को उम्मीद है कि निरहुआ सपा के कोर वोटर यानी यादवों में सेंध लगाएंगे तथा गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव दलित और सवर्ण तबका भी भाजपा के साथ खड़ा हो सकता है, जिससे यहां बाजी पलट सकती है। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के तहत इसमें 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से आजमगढ़ सदर, गोपालपुर और मेहनगर पर सपा का कब्जा है तो सगड़ी और मुबारकपुर बसपा के पास है। इस बार आजमगढ़ लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव और निरहुआ सहित 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। अब देखना यह है कि एक बार फिर इस सीट पर सपा का कब्जा होता है या फिर निरहुआ अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर बाजी पलट देते हैं।